5 फरवरी से बड़वानी जिले की 4 विधानसभा में विकास यात्रा शुरू हो रही है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए नवागढ़ कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत CEO अनिल कुमार डामोर और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विकास यात्रा जो है कल से इसका शुभारंभ होगा। जिले में जो है टोटल 4 विधानसभा है, तो सभी 4 विधानसभा में जो है अलग अलग जगह जो है व्रत निकाले जाएंगे। जो मैं आपको बता दूं कि ये विकास यात्रा जो है सभी गांवों से गुजरेगी और इसमें अलग अलग जो एक्टिविटी होनी है, कहीं जो है सभाएं होंगी, कहीं जो है गृह प्रवेश किया जाएगा, कहीं जल कलश यात्रा निकाली जाएगी, कहीं वृक्षारोपण किया जाएगा, कहीं साफ सफाई की जाएगी और सभी लोगों को एक साथ जोड़ा जाएगा। और मेन जो उद्देश्य है इसका कि जितने भी विकास कार्य हुए हैं उन सभी विकास कार्यों की जो है जानकारी हम लोगों को दे, साथ में जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, वो भी किया जाएगी, सो दैट प्रशासन में पारदर्शिता आए और साथ में जो है लोगों को जो है सरकारी स्कीम जो है उसके बारे में जानकारी भी हो। यही जो है मुख्यतः उद्देश्य है। और साथ साथ जो है फौती नामांतरण के जो केसेस है जिसमें फौती चढ़ी नहीं है या फिर जो त्रुटियां हुई है तो उसको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे साथ में, क्योंकि हमारा जो है जनजातीय बाहुल्य जिला है तो इसके कारण जाति प्रमाण पत्र के कारण भी काफी प्रकरण जो है लंबित होते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने का भी शासन के द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे है? तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा, लेकिन मेन मकसद यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में जोड़कर हम महाअभियान चलाएं और जो है शासन प्रशासन में पारदर्शिता लाए और विकास कार्यों के बारे में लोगों को जागरूक करें और साथ में शासन की जो स्कीम्स है उसके बारे में भी हम जागरूक करें। यही मुख्यतः उद्देश्य है। बड़वानी से मोहसिन मंसूरी की रिपोर्ट।